धरातल से रोड गायब सरपंच सचिव व रोजगार सहायक ने डकारे लाखों की खबर फास्ट समाचार ने प्रमुखता से दिखाई थी। जिम्मेदार अधिकारी मौके पर पहुंचे। खबर चलने के बाद 24 घंटे में हरकत में आए जिम्मेदार अधिकारी। खनिया थाना जनपद सीओ और एसडीएम को दे चुके थे कई बार ग्रामीण शिकायती आवेदन। सचिव व रोजगार सहायक ने आनन फानन में रोड पर डलवाई मिट्टी। खनिया थाना जनपद की ग्राम पंचायत रेवई में घटित हुए करोड़ों के घोटाले में सरपंच सचिव के द्वारा इंजीनियर से सांठगांठ करके सरकार के खजाने से लाखों रुपए निकाल लिए गए थे और धरातल पर कोई भी काम नहीं किया गया था। इस खबर को फास्ट समाचार ने प्रमुखता से दिखाया था। खनिया थाना जनपद की ग्राम पंचायत रेवई में ग्राम पंचायत लंबे समय से भ्रष्टाचार का अखाड़ा बनी हुई थी। यहाँ के विभागीय प्रमुखों ने सरपंच सचिव रोजगार सहायक को अपनी कमीशन के लालच में लाखों की राशि आहरण कर दी थी और शासन भले ही ग्राम पंचायतों को स्मार्ट पंचायत बनाने के लिए करोड़ों की राशि जारी कर रही हो, लेकिन इस राशि को सहायक और यंत्री इंजीनियर किस तरह अनुमति देकर फर्जी टीएस और मूल्यांकन करके दुरुपयोग कर रहे हैं, ये ग्राम पंचायत रेवई में जाकर देखा जा सकता है। पंचायत राज संचालनालय के निर्देशों के बाद भी ग्राम पंचायतों में फर्जी तरीके से राशि आहरण कराकर विकास कार्यों का सिलसिला जारी था। नरेगा के अंतर्गत प्रधानमंत्री सड़क से मजरा उसरा तक कार्य की स्वीकृति 14,07,000 रुपए, जिनमें से करीबन 13,73,237 रुपए निकाले गए थे। मजरा उसरा खिरिया की ओर से कार्यरत स्वीकृत लागत 14,28,000, जिसमें से 13,90,038 रुपए निकाले गए थे। इसकी शिकायत ग्रामीणों ने कई बार खनिया थाना जनपद के सीओ और एसडीएम को की, लेकिन कार्यवाही देखने को नहीं मिल रही थी। जब ग्रामीणों ने सचिव से बात की तो सचिव का कहना था कि ये सब सिस्टम का खेल होता है और कहीं शिकायत कर लो, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये खबर फास्ट समाचार ने प्रकाशित की तो खनिया थाना जनपद पंचायत का प्रशासन हरकत में आया और जांच करने पहुंचा। मौके पर दोनों रोड गायब मिली और मिट्टी कहीं कहीं डलवा दी है। जांच के नाम पर लीपा पोती कर रोड को दिखा दिया है। देखना यह है कि इस जांच में कहां तक सत्य है और क्या कुछ कार्रवाई होती है। सवाल ये भी उठता है कि राशि कैसे आहरित हुई और अगर राशि आहरित हुई तो धरातल पर कार्य क्यों नहीं हुआ। खबर प्रकाशित होने के बाद अब क्यों ये कार्य कराया जा रहा है, ये भी जाँच का विषय है।